दोस्तों, एक बड़ा अनाउंसमेंट है तुम सभी के लिए, क्योंकि कोरोना का ये जो टाइम चल रहा है तो काफ़ी जो है पढ़ाई और क्लासेस डिस्टर्ब्ड हैं। तो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव, एक स्टेप हमने लिया है। जो 12th क्लास के बच्चे हैं, बोर्ड्स के एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका फोकस स्पेसिफिकली बोर्ड्स पे है, उनके लिए हम वीडियो लेक्चर्स बनाने वाले हैं। उस सीरीज का आज पहला लेक्चर मैं ले रहा हूँ, फिजिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आज उसका पहला लेक्चर है। ऐसे ही केमिस्ट्री के, मैथ्स के सारे हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे, जिससे कि तुम बच्चों को आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के घर बैठे बेस्ट क्वालिटी नोट्स भी मिल जाएं। क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा, ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ, तो तुमको बेस्ट क्वालिटी नोट्स भी मिल जाएंगे। और उन्हीं नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारे रेफरेंस के लिए बेस्ट मतलब ऑसम क्वालिटी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी तुम्हारे पास आ जाने वाले हैं। तो कुल मिला के जो मेन हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, एक मुद्दा या एम या गोल है, वो ये है कि इन वीडियो लेक्चर्स को तुम देखो, जितना इसमें बताया गया है, जितना इन नोट्स में दिया गया है, उसको पी जाओ, एग्जाम में जाके उसको ऐसा कैसा उंडेल दो और सब 95-96 आराम से स्कोर करो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। ठीक है, करना कितना है? करना बस इतना है, लेक्चर सारे सुनने हैं, इसके अंदर सारे जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं वो खुद एक बार खुद भी ट्राई करोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे सारे डिस्कस होंगे, और ये नोट्स तुमको ऐसे कैसे अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे, वहां से तुम टेलीग्राम चैनल से नोट्स को ले सकते हो, रेफरेंस कर सकते हो, खुद पढ़ो, जो भी तुम्हारे फ्रेंड लोग हैं उनको भी बांटो, सबका भला करो, सब स्कोर करो, इतिहास बदल दो देश का। ठीक है, चालू करते हैं दोस्तों। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आज अपन चालू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट से। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों चालू करने से पहले, जिससे कि तुमको पढ़ाई में मजा आए, खासकर फिजिक्स पढ़ने में मजा आए। तो ऐसा है, 2004 का मैं सीबीएसई टॉपर हूँ, और क्योंकि सीबीएसई टॉपर था इसलिए मेरे को डायरेक्टली बिट्स पिलानी में एडमिशन मिला। बिट्स पिलानी में मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और एमएससी मैंने करी हुई है फिजिक्स में। मेरे को प्यार है, मेरा पहला प्यार। ठीक है, फिर मेरा इंटरेस्ट बैठा था रिसर्च की फील्ड में जाने का। कैंपस प्लेसमेंट में जब हुई तब मैंने मेरी जॉब लगाई सैमसंग में, फिर आई गॉट अ चांस टू गो टू साउथ कोरिया, हेडक्वार्टर जो सैमसंग का है, वहाँ पे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, और मैंने अप्लाई कर दिया इसरो में, एंड मैं इसरो में सेलेक्ट हुआ एज अ साइंटिस्ट। मैंने इसरो में काम किया, आई वर्कड इन मैनी प्रोजेक्ट्स इसरो के, काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम किया मैंने, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स में, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स में। आई वॉज दी पर्सन हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ सोलर पैनल्स, पावर सिस्टम ग्रुप में जो सेटेलाइट के सोलर पैनल्स होते हैं, आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर, दैट वॉज माई रोल। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलयान जो था उसके अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। तो ये छोटी सी मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। आई होप कि इस सबको सुनने के बाद अब तुमको विश्वास आ गया होगा कि इन लेक्चर्स को पढ़ने के बाद 100 में से 100 फोड़ दोगे। क्यों? चलो चालू करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स चालू कर रहे हैं, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स पे फोकस है, जितना बताया जा रहा है उतना तुम्हारे लिए काफी है, आराम से नंबर लाओगे, 70 पे 70 फोड़ दोगे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, बस पूरा याद कर लेना है एग्जैक्टली जैसा बताया जाए, चालू करें। तो देखो डेफिनेशन वगैरह बताऊंगा, पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो चार्ज से रिलेटेड, स्टैटिक यानी रुका हुआ, 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो काइनेमेटिक्स में। तो मोस्टली इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपन बात करेंगे रुके हुए चार्ज के बारे में। ये जो चैप्टर है इसका कोरिलेशन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड और जो चैप्टर अपना ग्रेविटी वाला उससे बहुत है, काफी कोरिलेटेड चैप्टर है उससे ही। ठीक है, इसलिए काफी जगहों पे ग्रेविटी वाले चैप्टर को इसके साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, अपन जो पढ़ रहे हैं अपन 12th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स जो चैप्टर है इसमें दो पार्ट है, चार्ज और स्टैट्स, स्टैटिक्स यानी रुका हुआ। तो रुके हुए चार्ज की बात करेंगे। अब सवाल ये आता है चार्ज क्या है। तो देखो 9वीं 10वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, पढ़ा हुआ है इतना पता है अपने को। चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव का क्या मतलब है, ये नेगेटिव का क्या मतलब, यह एक नंबर की डेफिनेशन है ये, जो अपने एग्जाम में आ सकती है, दिस इज वन मार्क डेफिनेशन। तो देखें अपन अपन याद करेंगे बिना किसी सेकंड ऑफ टाइम वेस्ट के याद करेंगे। तो चार्ज क्या है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स
व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी एक चीज को रखता हूं, ठीक है, और उस पर चार्ज है, तो उस पर फोर्स उसको फील होगा। ठीक है, अब यहां पे एक छोटी सी बात आ गई, ये फील्ड क्या होता है। तो जब अपन ने ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा, उससे पहले अपन एनएलएम पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। एनएलएम में अपन ने देखा था फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। झापड़ पड़ता है जब तुम्हारे टीचर का, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है तो तुम साइड में निकल जाते हो, ठीक है। लेकिन इस पेन को मैं छोड़ रहा हूं, ये नीचे आ रहा है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि इस पेन को दिख नहीं रहा मेरे को कुछ भी, कि जो बंधा हुआ हो जो इसको नीचे खींचे, लेकिन अर्थ इसको नीचे खींच रही है। अगर मैं उछलूंगा तो नीचे आऊंगा, क्यों? क्योंकि अर्थ मेरे को नीचे खींच रही है, अब दिख नहीं रहा। हुआ क्या, कहानी सुना देता हूं इसी बात पे छोटी सी। न्यूटन जो था, उसने बोल दिया भाई जो अर्थ है, सन है, दो मासेस हैं, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो एक दूसरे को खींचते हैं एक दूसरे की साइड। सवाल ये आया, वो एक दूसरे को एक दूसरे की साइड खींचते तो हैं, बात सही है, कैसे? फील्ड की बात आई कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक फील्ड होता है। उस फील्ड के अंदर अगर दूसरा कोई इंसान आ गया तो वो उस पर एक अपना इम्पैक्ट डालेगा। तो मैं सामने वाले पे इम्पैक्ट डालूंगा, सामने वाला मेरे पे इम्पैक्ट डालेगा। समझने के लिए, तुमने ली चुंबक और लिया लोहे का पीस, चुंबक को लोहे के पीस के पास रखा, जैसे लोहे के पीस के पास चुंबक लाओगे, यू विल फील कि लोहे को चुंबक खींच रहा है, टच नहीं हुआ लेकिन खींच रहा है। दूर लेके जाओगे तो वो फोर्स धीरे धीरे कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा दूर ले जाओगे एकदम कम हो जाएगा। ये जो फिनोमेना है, जहां पे कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पे फोर्स लगा रहा है नॉन कॉन्टैक्ट, वो जो होता है, वो होता है फील्ड के कारण। वही समझने वाले अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके कारण अगर मैं इस कमरे में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, कैसे फैला हुआ है, कहां से आया, बाद की बात है, अपन इस चैप्टर में आगे समझेंगे। अभी बस मान लो इस पूरे कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, दिख रहा है? नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी आंखों से। ये सारी चीज समझ जाओगे जब, जैसे अपन 12वीं क्लास में आगे बढ़ेंगे ना, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, सब समझ में आ जाएगा, भेजे में घुस जाएगा सब कुछ, एग्जाम में नंबर दिलाऊंगा, तुमको टेंशन मत लो, ठीक है। इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है और मैंने एक चार्ज ला के रख दिया, वो जो चार्ज है वो अपनी जगह पे नहीं रुक सकता, उसको जैसे मैं छोड़ूंगा वो किधर ना किधर तो भागेगा। अब किधर भागेगा और क्यों भागेगा वो तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, लेकिन क्योंकि वो भाग रहा है तो वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी अगर मैंने इस पर्टिकुलर पेन पे चार्ज लगा दिया और इसको मैं फील्ड में छोड़ूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ूंगा, तो इस पे फोर्स लगेगा। यानी इस पेन पे फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स इस पेन पे किसके कारण लग रहा है, इस पे जो चार्ज है उसके कारण, ठीक है। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की जिसके कारण उस पे फोर्स लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, उसको मैं कहता हूं चार्ज। चार्ज दो तरीके के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये अपने को पता है कि भाई जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपन ये देख लेते हैं फिगर। तो भाई दो माइनस माइनस के चार्ज रखे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। प्लस प्लस के चार्ज रखे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, दूर दूर जाएंगे। और प्लस माइनस रखा तो अट्रैक्ट करेंगे, कैसे? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे चुंबक को अपन लेते हैं, चुंबक को नॉर्थ और साउथ को आमने सामने लाते हैं, अट्रैक्ट, नॉर्थ नॉर्थ को लाएंगे रिपेल, साउथ साउथ को लाएंगे रिपेल। अब एक यहां पे शानदार सवाल, इस पार्ट पे एक सवाल, क्या सवाल है, साइड में करें एक बार इसको, सवाल यहां देखते हैं। तो सवाल देखने के लिए अपन थोड़ा सा पेन का साइज सही कर ले। हाँ, तो सवाल यह है भाई, इसी फिगर से रिलेटेड सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा तो दिखेगा नहीं। हाँ, तो इसी फिगर से रिलेटेड सवाल है कि मैंने क्या किया, लिए दो चार्जेस, मान लो तुम्हारी इच्छा जो ले लो, क्या ले, माइनस ले, माइनस ले लेते हैं, ठीक है। दो माइनस के चार्ज लिए मैंने, ठीक है, ठीक है, और मैं इनको ले गया। अब देखो मैं हूं साइंटिस्ट, राइट, और मैंने काम किया इसरो में, तो मैं इनको सीधा ले गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, यानी मैं इनको ले गया माइक्रो ग्रेविटी में, ठीक है। माइक्रो ग्रेविटी का मतलब यह है कि मैं वहां पे बड़ा कंफर्टेबली बोल दूंगा भाई जी इज इक्वल्स टू जीरो। हो नहीं सकता प्रैक्टिकली कि जी जीरो हो जाए, जी की वैल्यू बहुत 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 छोटी। तो मैं ले गया जी इज इक्वल्स टू जीरो पे, और दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। सवाल एक नंबर का, इन धागों के बीच में एंगल कितना होगा, ठीक है। तो 10 सेकंड तुमको देता हूं, 10, 9, 8,
सात छः पाँच चार तीन दो एक लिफ्ट ऑफ। तो भाई ऐसा है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये जो दो चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जितना एक दूसरे से दूर जा सकते हैं चले जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे से एक दूसरे जितना दूर जा सकते हैं, जाओ भाई कितना जा सकते हो, एकदम सीधा हो गया, एकदम सीधा हो गया, कितना हो गया एंगल 180 डिग्री। अब बताओ एक नंबर से ज्यादा का था क्या, एक नंबर का सवाल है, ठीक है। अब आ जाओ वापिस अपने, अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अपन ने पकड़ लिया कॉन्सेप्ट को, ठीक है, ओके। आगे देखें, सो द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। सवाल आ जाए भाई पोलैरिटी क्या है, तो पोलैरिटी चार्ज की है, प्लस और माइनस पोलैरिटी होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल पोलैरिटी होगी, अर्थ के ज्योमेट्रिक ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ, तो पोलैरिटी क्या होगी, पोल वाली बात, चार्जेस में प्लस और माइनस, ठीक है, फाइन। द चार्जेस वर नेम्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। इंसान ये पागल था, अब देखो पागल तो क्या था, साइंटिस्ट था, रिसर्चर था, फिजिसिस्ट था, तो करके देखता था, समझ में आता था तो ठीक है, नहीं तो वापिस करके देखता था एक्सपेरिमेंट्स। तो इसने, इसकी कहानियां हैं, किसी उस टाइम पे सुनाऊंगा जब कोर्स थोड़ा कवर अप हो जाएगा अपना, आज तो पहला दिन है, ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया भाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज यहां पे लिखी हुई बाय कन्वेंशन वाली, रटो एक नंबर का सवाल फिर से क्या है, देखो भाई, तो बाय कन्वेंशन जो ग्लास रोड है या कैट का फर है उस पे मैं पॉजिटिव चार्ज मानता हूं, क्यों, क्योंकि ये देखो बुक में दिया हुआ है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई एक ग्लास रोड को मैंने सिल्क पे रब किया तो ग्लास रोड के पे ऊपर क्या चार्ज आएगा, सिल्क पे क्या चार्ज आएगा, तुम बोलोगे क्या भाई सपना आ रहा है क्या, यही बोलोगे ना, सपना थोड़ी ना आ रहा है, क्या चार्ज आएगा मेरे को, क्या अब तक किसने छोड़ा किसने लिया, ठीक है, मैं कन्वेंशन याद रख लूंगा, ग्लास रोड और बिल्ली का फर पॉजिटिव, ठीक भाई, सिल्क और प्लास्टिक की रोड नेगेटिव, बिल्कुल सही। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ग्लास रोड और बिल्ली का जो फर है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इतना तो पता है, देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास है सोडियम, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो सोडियम बन गया Na+ कटायन एनायन, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी घुसा दो, बात तो चार्जेस की हो रही है, इस चार्ज को क्या, अब तो फिजिक्स की बात करेंगे केमिस्ट्री की, ओके। तो हुआ ये कि ग्लास रोड और किटन का जो कैट का जो फर है वो पॉजिटिव और प्लास्टिक रोड और सिल्क पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव, में याद रख लूंगा। इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड, ठीक है, जनरल बात है। व्हेन इट हैज नो चार्ज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल, चार्ज है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, याद रख लेंगे अपन, आगे बढ़े। अब ये एक क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरी क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा, व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट इज इट्स यूज, ये काम क्या आता है, ठीक है। तो देखो पहले अपन एक्सपेरिमेंट की बात करें, देखें क्या होता है। तो मेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर मैंने एक सेटअप किया, क्या सेटअप किया, मैंने एक रोड ली, कैसी, मेटल की रोड ली, ठीक है, मेटल की रोड के ऊपर एक मेटल का नोब है टच करने के लिए, और ये जो डब्बा है ये पूरा इंसुलेटेड है, तो मैंने ग्लास ले रखा है, ठीक है, और इस मेटल की रोड के दूसरे एंड पे मैंने गोल्ड लीफ लगा रखी है। इस फिगर को समझने के लिए यहां समझ लो, ये है, तो ये मेटल का नोब है, ये मेटल की रोड है और ये गोल्ड लीफ है, ठीक है, ओके। क्या हुआ इसके अंदर, हुआ इसके अंदर ये कि जब मैं किसी चार्ज रोड को इस नोब के टच करूंगा तो चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर होगा, वो यूं चलेगा, वो गोल्ड की लीफ पे आएगा, और गोल्ड की लीफ पे दोनों साइड अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, गोल्ड लीफ जो है वो ऐसे जो है वो खुल जाएगी। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि एक तो चार्ज ट्रांसफर हुआ ये भी प्रूव कर दिया मैंने, और लाइक चार्जेस विल रिपेल ये भी प्रूव कर दिया। अब पढ़ लेते हैं थ्योरी इसकी जो अपन याद रखेंगे। सो सिंपल एपरेटस है टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम आता है, टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। It consists of a vertical metal rod in a box with two thin gold leaves attached to its bottom end. When a charged object touches the metal knob, जैसे touch करेगा, charge flows to the leaves
चार्ज लीव्स पे फ्लो करेगा, ठीक है, एंड दे विल बी अ डाइवर्जेंस विच विल टेल द अमाउंट ऑफ चार्ज. चार्ज ज्यादा है तो जो लीव है ज्यादा खुलेगी, चार्ज कम है तो कम खुलेगी. तो मैंने एक सिंपल डिटेक्टर बना दिया चार्ज है कि नहीं. अगर चार्ज नहीं है तो लीव जैसी वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, अगर चार्ज है तो खुलेगी, ठीक है. अब चाहे पॉजिटिव चार्ज का रोड लगाओ चाहे नेगेटिव चार्ज की रोड लगाओ, दोनों केस में लीफ खुलेगी क्योंकि लीफ पे या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. ओके आगे बढ़ जाएं, ठीक है. सिंपल थ्योरी, बिल्कुल दिमाग में जोर नहीं आ रहा यहां पे. ओके अब बात करें डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर की और इंसुलेटर की. क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैंने क्या करा पिछली इलेक्ट्रोस्कोप वाले केस में, एक रोड ली जो कि चार्ज थी, उसको मैंने दूसरी मेटल रोड से टच किया और चार्ज फ्लो कर गया. अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है दोस्तों कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है. क्यों है भाई गुड कंडक्टर मेटल, देख ले क्या होता है कंडक्टर. अ मेटल रोड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विद वूल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज्ड. नाउ दिस कैन बी अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि मैंने एक मेटल रोड को पकड़ा हाथ में और उसको घिसे जा रहा हूं, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा. अभी तो मैंने ये देखा कि भाई अगर ऐसे घिसेंगे तो चार्ज आ जाएगा रोड पे. मेटल रोड को घिस रहा हूं तो चार्ज क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है. लेकिन अगर उस मेटल रोड का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का वुड का है और फिर मैं उसको रब करूंगा तो चार्ज आ जाएगा. क्या चेंज हुआ? चेंज ये हुआ कि जब मैंने मेटल रोड को हाथ में पकड़ा हुआ था तो जब उस पर चार्ज आ भी रहा था तो ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है, शरीर के थ्रू पास ऑन हो गया. लेकिन जब मैंने इसको पकड़ा, बीच में लगा लिया वुडन हैंडल या प्लास्टिक, और फिर इसको जब मैंने रगड़ा यूं रब किया तो जो चार्ज मेटल रोड पे आया वो मेरी बॉडी पे ट्रांसफर नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बीच में एक लेयर आ गई. किसकी लेयर आ गई? वुड या प्लास्टिक की. यानी अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेटल इज अ गुड कंडक्टर एंड वुड एंड प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर. क्यों? क्योंकि मेटल ने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया मेरी बॉडी पे और वो नीचे निकल गया, लेकिन बीच में वुड या प्लास्टिक आने के कारण चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाया, ठीक है. तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग कि भाई कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है. कंडक्टर वो है जो चार्ज को ट्रांसफर होने दे और इंसुलेटर जो ना होने दे. एज सिंपल एज दैट. प्लास्टिक, वुड, रबर, ये इंसुलेटर्स हैं. ओके, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है. इफ अ न्यूट्रल बॉल, पिथ बॉल, यानी एक बॉल है मेरे पास, न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है उस पर, कनेक्टेड टू अ नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड. यानी ये एक मेरे पास बॉल है और ये एक प्लास्टिक रोड है, ये न्यूट्रल है और रोड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. व्हाट विल हैपन इन द गिवन केसेस. अब दो केस है. कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया? पहले मैं कनेक्ट किया मैंने कॉपर वायर से, यानी यहां से कॉपर वायर लेके इसे कनेक्ट कर दिया, ये कॉपर का वायर है, ठीक है. दूसरे केस में मैंने कनेक्ट किया, इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहां बनाई फिगर और मैंने इसको लेके कनेक्ट किया, नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, और मैंने इसको कनेक्ट किया एक नायलॉन थ्रेड से, धागे से कनेक्ट किया, ठीक है. ये दो केसेस हैं. क्या होगा देखो, ये क्या है, ये है मेरे पास प्लास्टिक रोड, यानी ये इंसुलेटर है. इंसुलेटर क्या करता है? इंसुलेटर पे चार्ज पड़ा रहता है, वो चार्ज को ट्रांसफर नहीं करता. कैसे नहीं करता? अगर ये एक इंसुलेटर है और मैं यहां पे इस पे चार्ज रखूंगा तो पूरी बॉडी पे नहीं फैलेगा, वो यहीं पड़ा रह जाएगा इंसुलेटर पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. अगर ये एक इंसुलेटर है और मैंने इसको रब किया यूं और इस पे यहां पे चार्ज आया अगर इस पार्ट पे, और ये पूरा इंसुलेटर है प्लास्टिक है तो यहीं पड़ा रह जाएगा चार्ज, पूरी बॉडी पे नहीं फैलेगा. लेकिन अगर ये मेटल है और मैंने यूं रब किया तो चार्ज पूरी बॉडी पे फैल जाएगा, ठीक है. ये इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, दोनों को कनेक्ट किया मैंने कंडक्टर से, चार्ज ट्रांसफर होगा, बिल्कुल मेरे को कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है, ठीक है. ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, इंसुलेटर चार्ज को जाने ही नहीं देगा. तो माना कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है लेकिन पिथ बॉल पे कोई चार्ज नहीं आया, यानी इंसुलेटर चार्ज को नहीं जाने देता. बेसिक सी बात, अगर तुमने कोई इलेक्ट्रीशियन आता अपने घर में, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा होता है, या तुमने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं ना, पेचकस वगैरह जो बिजली के काम में काम आते हैं, उनका जो बेस होता है वो मोटे प्लास्टिक का होता है. क्यों? कि अगर गलती से कोई मेटल वाले पे चार्ज आ भी जाए तो इंसान की बॉडी में ना जाए, नहीं तो क्या होगा, मौत. ओके आगे बढ़ जाए. तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली. एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, मेटल एक्सेट्रा, ठीक है. इंसुलेटर मटेरियल्स विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. एग्जांपल ग्लास, वुड, प्लास्टिक. हो गया, आगे बढ़े. ट्रिविया,
When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor. अभी बताया. But if some charge is put on an insulator, it will stay at the same place. तो अगर ये एक insulator है और मैंने यहाँ पे चार्ज रखा, वो यहीं पड़ा रहेगा. Like a potato, okay? लेकिन अगर ये एक कंडक्टर है और मैंने चार्ज यहां रखा, वो पूरे पे फैल जाएगा. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, अपने को ध्यान रखनी है. ठीक है, इस बार नीट में क्वेश्चन आया था ऐसी चीज पे, इसी चीज पे आया था नीट पे क्वेश्चन. जब क्वेश्चंस करेंगे तब बताऊंगा. ठीक है, आगे देखें. सो व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज्ड बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद अर्थ, जितना भी एक्सेस चार्ज है बॉडी पे वो डिसअपियर हो जाता है. क्यों? क्योंकि करंट पास हो जाता है ग्राउंड पे. इसको कहते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है. तुम्हारे घरों में तुमने देखा होगा, मैं तुमको दिखाता हूं, एक मिनट दिखाता हूं मैं तुमको. ठीक है, तुमने देखा होगा कि जो थ्री पिन प्लग टाइप की चीजें होती है ना अपनी, एक मिनट थोड़ा खींच लूं डोर को. ये देखो, ये दो जो हैं, ये तो नॉर्मल है, छोटी छोटी पतली पतली. ये लंबा और मोटा है तीसरा पिन. क्यों, कभी सोचा है? ये जो तीसरा पिन है ना, अगर तुम देखोगे इस पे, ठीक है, तो क्यों यहां तो दिखेगा नहीं, वो छोटा बना हुआ है. यहां पे सिंबल बना हुआ है ग्राउंड का. ग्राउंड का सिंबल कैसा होता है? अर्थिंग का सिंबल ऐसा होता है. ये अपन आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. तो ऐसा सिंबल बना हुआ है, ये अर्थिंग के लिए है ये पिन. और ये दोनों पिन प्लस माइनस है, ये इस ये करंट पास करने के लिए, सप्लाई के लिए. तो जो टू पिन प्लग होते हैं और थ्री पिन प्लग होते हैं, ये थ्री पिन प्लग में जो तीसरा पिन है, स्पेसिफिकली इसका क्या रोल है? अर्थिंग का. ठीक है, क्यों वो देख लेते हैं अपन अभी, क्यों है ऐसा. ठीक है, तो अपन पहले इस फोटो को देखें. तो ये भाई साहब हैं एक अपने खड़े हैं यहां पे. ठीक है, अब इनको थोड़ी ना पता है देख के कि भाई ये जो इनकी वॉशिंग मशीन या इलेक्ट्रिक कुकर जो भी है इसमें करंट आ रहा है क्या, इनको नहीं पता. ठीक है, इनने टच किया इसको यहां पे. हो क्या रखा था? हो ये रखा था कि जो सप्लाई आ रही थी, इसका एक वायर अगर गलती से भी, इसका एक वायर जो लाइव न्यूट्रल और अर्थ के तीन तार हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और ग्राउंड का, इनमें से गलती से भी अगर एक तार बॉडी के टच हो जाए, ये मान लो मेटल की केसिंग है. ठीक है, गलती से भी एक तार इस बॉडी के टच हो जाएगा तो इसमें करंट आ जाएगा. तो मैंने उसको टच किया, टच करती हूँ, करंट शरीर के थ्रू पास होगा. अब उस झटके से अगर मेरे को बचाना है इंसानों को, आम आदमी को, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं एक अर्थ का वायर लेता हूं. अब यहां पे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं तुमको, देखो दिखा, ये जो अर्थ वाला वायर है ये बॉडी से कनेक्टेड है. दिखा, तो क्या होगा अगर गलती से भी अगर इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की या अप्लायंस की या इंस्ट्रूमेंट की बॉडी पे कोई वायर टच हो रहा है और इसमें करंट आ रहा है, तो सारा का सारा वो जो करंट है वो अर्थ वाले वायर से ग्राउंड हो जाएगा. वो कहां चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा. ग्राउंड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ग्राउंड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा कि ये जो हमारे दोस्त हैं इनकी जान बच जाएगी और क्या हो जाएगा. ठीक है, ओके फाइन. तो वापस अपन आ जाएं. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. आगे बढ़े अपन. आप तो अच्छा ये तो बताऊं कि वाई वी यूज अर्थिंग मैकेनिज्म इन आवर हाउसेज, ये तो भी मैंने बोल के बताया. यहां पे वही चीज लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउसेज हैज थ्री वायर्स, लाइव न्यूट्रल एंड अर्थ. द फर्स्ट टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, द थर्ड इज अर्थेड. मेटेलिक बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी आर कनेक्टेड टू अर्थ वायर, जिससे कि अगर कभी गलती से कोई कनेक्शन उधर आ जाए, कोई तार वायर टूट के बॉडी को टच करके उसमें अगर आने लग जाए तो वो सीधा ग्राउंड में चला जाए. ठीक है, ओके, दिस इज अ वेरी गुड थिंग. ये बहुत बढ़िया चीज है, ये जनरल नॉलेज ज्यादा. भाई अब तुम इंजीनियर बनने वाले हो, तुम पढ़ रहे हो ये सारी चीजें, एक बारहवीं के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, आना तो चाहिए. आ जाओ, अब अपन बात कर रहे हैं एक फिनोमेना की जिसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या है? मैंने अभी तक जो बात करी उसके अंदर मैंने एक रोड ली, मेटल की रोड, उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से टच किया तो चार्ज यूं ट्रांसफर हो गया. तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा था टच करने पे या फिर रब करने पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा था. इंडक्शन का मतलब यह है कि मैं इसको लाऊं, इसके बॉडी के टच भी ना करूं और चार्ज ट्रांसफर हो जाए. कैसे होगा? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है, देखो डेफिनेशन लिखी हुई है,
प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एनी ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट विद एनी अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये डेफिनेशनों की बात खत्म, अपन डेफिनेशन याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे डेफिनेशन। ओके, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं समझने के लिए। देखो एग्जाम्पल क्या है। तो मेरे पास ये एक मेटल का स्फीयर है जिसको मैंने एक प्लास्टिक के स्टैंड पे रखा है, मेटल स्फीयर को प्लास्टिक के स्टैंड पे रखा है, और ये इनिशियली जो है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां देखो मैं एक नेगेटिवली चार्ज्ड रोड है, नेगेटिव चार्ज है इस रोड पे, और इसको मैं मेटल स्फीयर के पास लाया। तो जैसे मैं नेगेटिव को पास में लाऊंगा मेटल स्फीयर के, मेटल के अंदर चार्जेस फ्रीली मूव करते हैं, है ना, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा हुआ जूनियर क्लासेस में, चार्जेस फ्रीली मूव करते हैं। तो जैसे ही नेगेटिव इधर आएगा तो यहां वाले साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मेटल के इस वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, इधर पॉजिटिव आ जाएगा तो दूसरी साइड पे नेगेटिव छप जाएगा। बात सही है। अब क्या करा, अब मैंने एक वायर लेके इस साइड पे कनेक्ट करा, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो सारा ग्राउंड में चला गया, नेगेटिव चार्ज सारा ग्राउंड में चला गया। अब तुम बोलोगे पॉजिटिव क्यों नहीं गया, भाई पॉजिटिव तो अभी भी अटका हुआ है, अट्रैक्शन चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में, है ना, ठीक है, हंसी आ रही है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब मैं जो ये ग्राउंड वायर है इसको हटा दूंगा। ग्राउंड वायर हट गया तो मेरे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, प्लास्टिक के स्टैंड पे खड़ा है, और उस पर मेरे पास प्लस का चार्ज है जो कि नेगेटिव वाले चार्ज से अट्रैक्टेड है। अब मैं इस रोड को भी पीछे ले जाऊंगा, जैसे मैं रोड को पीछे लेके जाऊंगा पूरा का पूरा प्लस चार्ज है स्फीयर पे फैल गया। ये क्वेश्चन आ जाता है दो नंबर में कि डिस्कस करो क्या स्टेप्स हैं। सारे इन नोट्स में बच्चों अपने को टेंशन लेनी नहीं है, तुमको तो बस ये स्टेप्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वापस से थोड़ा जाओ, दो मिनट पीछे जाओ, फिर से सुन लो, आगे बढ़ते हैं। अब बात आई बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तक आज अपन करेंगे, फिर अपन यहीं रुक जाएंगे। पहला लेक्चर है, छोटा रखूंगा इसको मैं आज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन भागेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन इस समझाने वाले पार्ट पे मैं समझा रहा हूं तुमको, तुमको क्या टेंशन है, तुमको बस समझना है, वीडियो लेक्चर है, बार बार रिमाइंड कर लेना, ठीक है। तो आज अपन बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाला क्वेश्चन है। पहला एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरा चार्ज इज कंजर्व्ड, तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है देख लेते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि अगर किसी सिस्टम में यानी किसी एरिया में खूब सारे चार्ज पड़े हैं, Q1, Q2, Q3 खूब सारे चार्ज पड़े हैं, Qn, ठीक है, खूब सारे चार्ज पड़े हैं, तो टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो एलजेब्रिक सम होगा। यानी एग्जाम्पल देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा करूं तो तुमको दिखेगा, ये देखो। तो मान लो चार्ज है मेरे पास +1 +2 का -3 का +4 का -5 का, तो टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम पे, मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, सबको ऐड करूंगा 1 + 2 - 3 + 4 - 5, टोटल आया -1। तो मैं बोलूंगा भाई टोटल चार्ज कितना हो गया बॉडी पे, -1। अब यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम्ब होती है, ये नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कूलम्ब क्या चीज है, ठीक है। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखें। दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, हाँ बिल्कुल कंजर्व्ड, कंजर्व्ड मतलब एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्या मतलब होता है भाई, ना क्रिएट हो सकती ना क्या डिस्ट्रॉय हो सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो वही बात है। अब देखो एनर्जी कंजर्व वाली बात है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है मसल्स में, जो केमिकल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और वो हीट एंड साउंड में कन्वर्ट हो गई, यही हुआ ना, वैसे ही चार्ज भी कंजर्व्ड है। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसके अंदर, पॉइंट क्या है पहले छोटा करूंगा पॉइंट बताने के लिए तुमको, तो पॉइंट जो है मैं पहले मार्क कर दूं, आइसोलेटेड सिस्टम, अब बड़ा कर रहा हूं इसको दिखा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स, आइसोलेटेड सिस्टम वो है जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, एकदम अलग है, जैसे कि ये पेन। तो अब ये जो पेन है अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसके अंदर जो चार्ज है प्लस या माइनस का वो जितना है उतना ही रहेगा, वो टूट नहीं सकता और नया बन नहीं सकता, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इसका फिक्स रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम का। लेकिन अपने जो पंखे ट्यूबलाइट ये सारी चीजें आइसोलेटेड नहीं है, क्यों, करंट आ रहा है ना कहीं दूर से चल के आ रहा है करंट यहाँ पे, तो कनेक्टेड है, तो पंखे के अंदर जो काम हो रहा है वो आइसोलेटेड नहीं है क्योंकि कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं जैसे दो चीज देता हूँ, मान लो ये लिया मैंने एक फोन लिया और एक पेन लिया,
ठीक है, और मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं हाथ में, तो चार्ज मेरे पे ट्रांसफर हो नहीं रहा। तो इन दोनों सिस्टम में जो चार्ज है रब करने पे, जो भी चार्ज आएगा इन दोनों सिस्टम में, वो कंजर्व्ड है, वो टोटल चार्ज जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे लैंग्वेज में, अभी देख लेते हैं अपन। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग। देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, नो न्यू चार्जेस आर ईदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दूं, ठीक है, और फिर वापस पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए। तो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करता हूं रब करके एक दूसरे पे, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाएगा, नए इलेक्ट्रॉन नहीं बनते। तो क्या वर्ड याद रखना है, आइसोलेटेड सिस्टम पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नए चार्जेस ना तो बनते हैं ना पुराने चार्जेस टूटते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि एक तो है तुम्हारे पास फिसल पट्टी और एक है तुम्हारे पास सीढ़ियां। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है फिसल पट्टी में और सीढ़ियों में? फिसल पट्टी में यह डिफरेंस है कि तुम इस फिसल पट्टी पे कहीं भी रुक सकते हो, लेकिन सीढ़ियों में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ये एक सीढ़ियां है, अगर मान लो, कैसे बनाऊं, ऐसे बनाता हूं, ये सीढ़ियां हैं, ठीक है, तो या तो तुम यहां खड़े हो इस सीढ़ी पे ऑन दिस स्टेयर, या यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस स्टेयर, यू कांट स्टैंड बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में, यानी इस एरिया में, डांस के जैसे लग रहा है क्या, इस एरिया में तुम नहीं खड़े हो सकते, यू विल नॉट बी फाउंड इन दिस एरिया। ठीक है, ज्यादा ही हो गया क्या, तो यहां बना लेते हैं अपन, बेटर है मैं फिगर बना दूं इससे पहले कि तुमको बोले कि यार डांस क्लास चल रही है क्या। ये स्टेयर्स हैं और ये इंक्लाइन है, स्टेयर्स में एक इंसान यहां खड़ा हो सकता है, यहां खड़ा हो सकता है, या यहां खड़ा हो सकता है, इस एरिया के बीच में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन फिसल पट्टी पे मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअस है, और ये जो है ये डिस्क्रीट है। ठीक है, तो वैसे ही जब मैं चार्ज की बात करता हूं, तो जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का, यानी एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, ऐसे नहीं बोलते तुम। कोई बोलेगा भाई तुम ऊपर चढ़ रहे हो, कोई बोले कितना चढ़ गया, तुम बोलोगे 5.5 सीढ़ियां चढ़ गया, नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि एन जो है वो एक इंटीजर होगा, ठीक है, ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी चार्ज मेरे पास होगा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1,000,000 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि भाई 5.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाट इट मींस व्हेन वी से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके, सो दोस्तों अपन यहीं रुकते हैं, आज अपना पहला लेक्चर था तो थोड़ा अपन धीरे थे, क्योंकि थ्योरी है, समझने की बात है इसको। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं ये तुमको मिल जाएंगे, ये अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम निम्बस एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को तुम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना अपने फोन पे, और निम्बस एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को तुम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो सब्सक्रिप्शन में उसमें दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन वाला जो बॉक्स होता है वो इसमें, यूट्यूब का जो वीडियो होगा इसके नीचे। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, तुमको ये करना है कि ये जो नोट्स हैं जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ लो। ठीक है, जो बताया जाए याद करने का उसको याद कर लो, कोई चीज समझ में ना आए तो लेक्चर्स को वापस, वीडियो लेक्चर्स को सुन लो, एंड ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल में सब दोस्तों को बताओ, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के आगे से कंटिन्यू करेंगे अपन, वी विल स्टडी अबाउट कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, बस साथ बने रहो, वी विल हेल्प यू आउट। सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू अपलोड लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, तो दैट विल हेल्प यू आर लॉट, तुम्हारी काफ़ी मदद करेंगे वो सारे चैप्टर्स और लेक्चर्स तुमको बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। एंड दैट्स इज आर मोटो, हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि तुम्हारे बोर्ड्स में शानदार का मतलब 95+ नंबर आने चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, देखते रहो निम्बस एजुकेशन, लाइक शेयर सब्सक्राइब
एंड बेल आइकन जरूर दबा देना।